तेरी बिंदिया रे रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। जी हाँ, श्रृंगार का बहुत इम्पॉर्टेंट एक अंग है बिंदी। आज हम बिंदियों की मदद से गणित पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, मजा आएगा। आज हम बिंदियों की मदद से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। सबसे पहले, जैसा कि इस एक स्ट्रिप पर आप देख सकते हैं, दो हरे रंग की बिंदियां हैं और तीन नीले रंग की बिंदियां हैं। यदि सबसे पहले इन बिंदियों को आपस में जोड़ा जाए तो ये हैं 1, 2, 3, 4 और 5 बिंदियां। यदि हमें इन्हें कागज पर दर्शाना हो तो हम इसे लिखेंगे 2 प्लस 3, अभी हमने इन्हें आपस में जोड़ा है, और यहां मैं लिखता हूं 5। यदि इन्हीं के साथ मैं 4 और बिंदियों को रखूं तो अब ये कुल बिंदियां बन गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यदि इन्हें ही कागज पर दर्शाना हो, सर उधर ब्रैकेट डाला, इधर भी डाल दो। 2 प्लस 3 के साथ हमने 4 बिंदियां और जमा की तो पहले हमारे पास 5 बिंदियां थी, उनमें 4 बिंदियां और प्लस हुई, हमारे पास जो कुल बिंदियां आई वे है 9। आइए अब इसे किसी और तरीके से देखते हैं। अब हम सबसे पहले 2 नहीं 3 बिंदियां लेते हैं और उनके साथ 4 और बिंदियों को रखते हैं, यानी सबसे पहले अब हमने ली हैं 3 बिंदियां, उनमें हमने जोड़ी हैं 4 बिंदियां, तो देखते हैं हमारे पास अभी बिंदियां आई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हम इनमें जो हमारी तीसरी संख्या थी 2 बिंदियों को और जोड़ते हैं, तो क्योंकि हमने 3 और 4 को पहले जोड़ा था इसलिए उन्हें ब्रैकेट में रखकर +2, यहां पर हमारे पास अब हम कुल बिंदियां गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास कुल बिंदियां आई हैं 9। अब मैं अपने साथी से कहूंगा कि इसे थोड़ा जूम करके दिखाएं। देखिए, यहां हमने पहले 2 और 3 को प्लस किया, उसके बाद उनमें 4 बिंदियां जोड़ी, हमारे पास कुल संख्या आई 9। नीचे वाली लाइन में हमने पहले 3 और 4 को प्लस किया, उसके बाद उसमें 2 जोड़ा, तो भी हमारा उत्तर आया 9। इसका अर्थात ये है कि 2 और 3 को पहले जोड़कर उसमें 4 बाद में जोड़ा जाए, या 3 और 4 को पहले जोड़कर उसमें 2 बाद में जोड़ा जाए, हमारा जो उत्तर है सेम ही रहेगा। इसी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उम्मीद करते हैं इन बिंदियों की मदद से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझा होगा। इसी प्रकार से विभिन्न प्रश्नों में बिंदियों को रखकर एक साथ जोड़ने से हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के और भी उदाहरण सीख सकते हैं।